नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर सहित आसपास के 9 जिलों में आवारा पशुओं के आतंक पर कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी 9 जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवारा पशुओं को लेकर किस तरह की प्लानिंग है यह भी जानकारी मांगी है। ये आवारा पशुओं के द्वारा प्राणघातक हमला करने और डॉग बाइट के केस बढ़ने पर एक PIL माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें जो कि वर्ष 2021 से लंबित थी, जिसमें आज विधिवत सुनवाई हुई थी, जिसमें न्यायमूर्ति माननीय आनंद पाठक साहब के न्यायालय में इसकी प्रकरण की सुनवाई थी, जिसमें कि उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय के अधीनस्थ 9 जिलों को कलेक्टर को निर्देशित किया है कि इसमें 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें, जिससे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसमें न्याय सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने भी न्यायालय से निवेदन किया था कि डॉग वाइट के प्रकरण शहर में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें शीघ्र सुनवाई करते हुए कार्रवाई के निर्देश किए जाएँ।